टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपको FCI क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको डेली पर डे वन या फिर टू वीडियोस FCI क्रैश कोर्स की मिलेंगी, क्योंकि आपका एग्जाम बस आने वाला है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी पर्सनली मदद करूँगा सबकी। और दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, FCI जो क्रैश कोर्स मैंने लिया है ये ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि 12/11/2017 में पूछा गया पेपर है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन बुक लेट है ए, उसमें ये क्वेश्चन पेपर पूरा पूछा गया था। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, किस तरह के उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। FCI भी कुछ अलग से नहीं आता, बट देखो इसके पीछे का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उनको अच्छी तरह से आप उन्हें देख लीजिए, किस तरह से सर हमको बता रहे हैं। और दोस्तों सबके लिए शुक्रिया, आपने जितना मेरा मदद किया उस सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक नई और जानकारी देना चाहूँगा। यदि आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आरबीआई जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए सॉल्व पेपर्स मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यदि आप इनकी तैयारी करते हैं तो उन वो भी सारे पेपर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, और FCI के ऑलरेडी 25 से 30 पेपर्स वहाँ सॉल्व हैं, आप उनको एक एक करके देख लीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सारे पेपर्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि रेस्पेक्ट, इसका ऑपोजिट आपको बताना है कि रेस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है। तो मैं सबको बताऊंगा कि रेस्पेक्ट जो होता है वो एक इसका ऑपोजिट हम कह सकते हैं डिसरिगार्ड। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। तो रेस्पेक्ट यानी कि किसी का आदर सम्मान करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, एम्बिशन। अब एम्बिशन का आपको सिमिलर इसका मतलब डिसलाइक तो हो ही नहीं सकता है ना, या फिर इनएक्टिविटी नहीं हो सकता, हेट नहीं हो सकता, मतलब गोल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आई डैश यू टुमारो। अब आपको मैंने जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डीपली तरीके से बताया था, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उन सारे मैंने 3 पार्ट कराए हुए हैं, उनको टेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने उनको डीपली डिस्कस किया है। अगर आप उन्हें एक बार देख लेंगे तो डैम श्योर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कम से कम 90% तो आप सीख ही जाएंगे एक ही बार में, अलग से याद कुछ नहीं करना, सिर्फ आप उनको एक बार देख लीजिए। अच्छा देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कभी टुमारो आएगा तो टुमारो जो होता है वो हमेशा फ्यूचर को शो करता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब इसके अंदर एक बात है कि फ्यूचर है, अब फ्यूचर के अंदर क्या आता है, या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा, ये फ्यूचर को शो करता है। तो कभी भी अगर टुमारो आए तो विल या शैल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो कॉल्ड ये तो गलत हो जाएगा, कॉलिंग ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टुमारो के साथ बिल या सेल वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे, हमेशा याद रखो एग्जाम तक। अब देखो यहाँ पर वुड बी कॉल है, नो हमें तो सेल या बिल से मतलब है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इतना याद रखना कि अगर टुमारो वर्ड यदि आ जाता है तो उसमें हमेशा सेल या फिर बिल वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, दूसरा ऑप्शन टिक नहीं करना। चलो नेक्स्ट देखो, ब्राइट। अब ब्राइट का आपको सिमिलर बताना था, ब्राइट का मतलब सबको पता होगा यानी कि शाइनी होता है, क्लाउडी डल डिम नो यानी कि शाइनी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगेट। अब सबको पता होगा जो फॉरगेट का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, फॉरगॉट होता है, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब इसके अंदर ये प्रोवर्ब दे रखी है, अब प्रोवर्ब क्या है, अगर आपने प्रोवर्ब्स का चैप्टर देखा होगा तो उसमें ये कराया दी गई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको पता होगा कि यहाँ पर शीप, फिश या फिर फ्रूट नहीं आता यानी कि बर्ड आएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोवर्ब्स जितनी भी हैं उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि फिक्स होती है, इनमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखिए, जिनमें कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, देयर इज अ कैट डैश इन द रूम। अब आपको ये जो दे रखा है इसमें आपको बताना था कि इसमें क्या आएगा, अब सोचिए इसमें क्या आ सकता है, इन आ सकता है क्या, अब एक बात सोचिए आप, जब ऑलरेडी इन यहाँ पर दे रखा है इसमें कुछ आएगा या नहीं आएगा। अब सोचो ऑलरेडी जब डबल यानी कि दो बार प्रीपोजिशन नहीं आ सकता तो इन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीपोजिशन दे रखा है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, मतलब एन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं की जाएगी। इज दैट क्लियर, यानी देयर इज अ कैट इन द रूम, एक बिल्ली है जो कि कमरे में है, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसने, इनको देखिए
ये मैंने खुद प्रूव अप करवाई थी। ये तो एग्ज़ाम तो खैर अभी हुआ है, बट इससे पहले कई दिन पहले मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था और उन पर गिने चुने मैंने 10 या 12 प्रूव अप्स करवाए थे। अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक और आ चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दोस्तों जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है चैनल से, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छी तरह से उनको पढ़ लीजिए एक बार, वो बहुत आपकी मदद करेंगे। अब देखो ये भी मैंने करवाया था कि मैन प्रपोजिज डैश डिस्पोजेज, यानी कि इंसान क्या करता है कि प्रपोज करता है, लेकिन भगवान क्या कर देता है, उसे डिस्पोज कर देता है, यानी रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गॉड वाला आएगा। मैंने बताया था ये फिक्स है, याद करो। मैंने ये भी बताया था कि आपको यहाँ पर वो पूछता है, या तो वो मैन पूछेगा तो ऑप्शन देगा मैन गर्ल बॉय इस तरह से देगा, या फिर वो गॉड पूछेगा तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो देखो इसके अंदर सेकंड वाला पॉइंट पूछा गया है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया था। चलो अब ये हो गया। नेक्स्ट देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको इस स्पेल्ड वर्ड बताना है जो एकदम सही है। अब एक बार सोचो, सब्सटेंस बिल्कुल सही है हमारा जवाब, फ्रूट। क्या फ्रूट की ये स्पेलिंग होती है? नहीं होती। फ्लावर, फ्लावर की स्पेलिंग होती है? नहीं होती। है ना, ग्लॉसरी, ग्लॉसरी की भी नहीं होती। यानी कि ये हमारे बिल्कुल गलत है। करेक्ट जो स्पेल्ड है वो हम कह सकते हैं सब्सटेंस है। ठीक है, अच्छा इनको अगर इस तरह के जितने भी स्पेल्ट वाले आते हैं उनको मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ कि जितने भी ये होते हैं ना करेक्टली स्पेल्ट वाले, उन सब में क्या होता है कि आपको जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह इंग्लिश के पढ़ते हैं या फिर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं, तो आप वहाँ से अच्छी तरह से इनको कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन सिंगुलर, यानी आपको वो बताना है। अब देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन सिंगुलर, यानी ऐसा नाउन बताना है जिसकी फॉर्म सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर की बात हो रही है इसका मतलब है सिंगल, और सिंगल का मतलब होता है एक, एकदम क्लियर है। और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी मोर देन वन। अब यार एक बात सोचो कि प्लूरल, अब यहां पर तो हमें सिंगुलर निकालना है ना, यानी जिसमें एस नहीं हो। देखो इसमें एस दे रखा है, ये तो प्लूरल है। इसमें एस दे रखा है, ये नहीं आएगा। इसमें एस दे रखा है, ये नहीं आएगा। यानी कि अगर वो सिंगुलर पूछ लेता है तो आपको वो देखना है जिसमें एस नहीं हो। ठीक है, वो वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको लग रहा होगा देखो कितने सरल एग्जाम्स पूछे, क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, तो दोस्तों इस तरह का ही आता है। अब आपको मैं ऑलरेडी पेपर भी शो कर रहा हूँ, देख लिया आप, देख लेना वहां से किस तरह का होता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सोनेंट। अब इसमें कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि केजी की क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कि यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्सोनेंट नहीं है, राइट ना। अब देखो कॉन्सोनेंट कौन सा नहीं है इसमें, यानी कि यू, राइट ना। बी डी एफ ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, जबकि यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवल है। वॉवल में मैंने आपको बताया था कि ए ई आई ओ यू ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये वॉवल्स होते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बट फिर भी इसका मतलब है कि यार एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, बेसिक भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सुमाता सेल गो एंड डैश डाउन। अब मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर कभी भी, मैंने अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, अगर टुमारो आएगा तो उसमें सेल या बिल वाला ऑप्शन हमें लगाना होता है। अब यहाँ पर सेल बिल ऑलरेडी दे रखा है, तो आप ये देखो कभी भी अगर एंड से दो वर्ब को जोड़ा जाता है ना, यानी एक तो वर्ब ये रही और एक अभी जो हम जोड़ेंगे, आप हमेशा ये देख लिया करो कि अगर एंड पीछे और वर्ब जुड़वा रहा है, यानी एंड से पहले आने वाली वर्ब कैसी है, यानी कि वो सिंगुलर है, आई मीन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या फिर थर्ड फॉर्म है। वो देखो, अगर थर्ड फॉर्म है तो लास्ट में भी थर्ड फॉर्म, यानी एंड के बाद भी वही फॉर्म आती है, ठीक है ना। अब एंड से पहले देखो फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, इसका मतलब है कि एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, ठीक है, लाई। तो देखो लेड ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ले ये भी नहीं है, यानी कि एंड से पहले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इज दैट क्लियर। अब वैसे भी आप देख सकते हो सेल बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म चलती है तो आगे भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एडवांटेज। अब एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, इसका ऑपोजिट आपको बताना था। तो देखिए, फेवर नो, इम्प्रूवमेंट एंड लीड नो, डिसएडवांटेज। इसका उल्टा क्या होता है एडवांटेज का, डिसएडवांटेज। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आई डैश टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। अब मैंने आप सबको बताया था, यदि कभी भी अगर एवरी आए और सैटरडे
एक सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर या फिर डेली, इस तरह का अगर कुछ भी आता है तो उसमें मैं फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ फर्स्ट फॉर्म कौन सी है इसमें, गो है, गॉन तो थर्ड फॉर्म है, विल गोज आ ही नहीं सकता, हैव इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये इसलिए गलत है क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये तो सेकेंड फॉर्म है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। शैल बिल के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि एस और ईएस वाली, तो ये वैसे गलत हो। इधर देखिए अब इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द मिसपेल्ड वर्ड, अब इसमें मिसपेल्ड यानी जो गलत वर्ड है वो आपको बताना है। अब देखो ड्राइवर है ये तो सही है, ड्राइवर की स्पेलिंग, पेंटर की भी बिल्कुल सही है, प्लम्बर का भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारपेंटर की ये स्पेलिंग नहीं होती ना, इसलिए हमारी स्पेलिंग जो दे रखी है इसमें वो गलत है। इज दैट क्लियर, कारपेंटर की वो सी से स्टार्ट होता है ना वो, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द बुक इज डैश द टेबल, यानी कोई भी चीज़ यदि किसी सतह के ऊपर होती है यानी टच करती है, जैसे मान लो ये आपकी टेबल है, इसके अगर ऊपर कोई भी चीज़ से सरफेस को टच करती है, प्रीपोजिशन वाले मैंने टॉपिक में बताया था, तो उसमें क्या था ऑन आएगा, तो अगर टेबल के ऊपर आप बुक रखोगे तो वो डैम श्योर उसके ऊपर ही टच करेगी ना, और टच करेगी तो यानी ऑन ऑन आए, आई आई वॉन्ट टू टॉक डैश यू। अब इसमें वो पूछ रहा है यानी कि इसका मतलब आई वॉन्ट टू टॉक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, सिंस आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि सिंस तो हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलता है, आ नहीं सकता। फ्रॉम आ सकता है, नो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, फ्रॉम थोड़ी होता है वो, नहीं आ सकता। अभी जवाब दूंगा क्यों नहीं आ सकता, टिल आएगा, टिल भी नहीं आएगा, मतलब टू आएगा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू। अब आप ये मत सोचिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बोल रहा हूँ उतना। अब आप सोचिए सर दो बार टू टू आ गया ये तो, नहीं मेरे दोस्त, अगर देखो वॉन्ट एक फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि एक वर्ब ये हो गई और एक वर्ब ये हो गई, अगर वॉन्ट से आप दूसरी वाली फर्स्ट फॉर्म को, दूसरी वाली वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो वो वर्ब हमेशा टू से जोड़ी जाती है, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या हो गया टू आ गया। अब यहां पर ये टू क्यों आया सर, देखो इसके एक मैं आपको बता देता हूँ, चलो यहां बता देता हूँ, चल रहा है तो मैं पूरा बता दूँ। देखो ऐसा नहीं, टॉक के टॉक टू का मतलब होता है आप डायरेक्टली किसी सामने वाले से बात करते हैं, जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ तो आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ आई टॉक टू यू, राइट ना। अगर आप ये करेंगे टॉक विद भी आता है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, तो ये हो गया आई टॉक विद यू। एक होता है टॉक अगेंस्ट, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, टॉक अगेंस्ट का होता है मैं मतलब किसी के खिलाफ बात करना, जैसे मैं तुम्हारे खिलाफ बात करता हूँ तो आई टॉक अगेंस्ट यू, एकदम क्लियर है ना, इस पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या है जो सेंस के अकॉर्डिंग है वो टू आएगा, टिल फ्रॉम सिंस नहीं आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन प्लूरल, यानी इसमें से वो बताना है जो प्लूरल फॉर्म में है। अब यार एक बात सोचो, प्लूरल फॉर्म का मैंने अभी बताया था, एक से ज़्यादा मतलब जिसमें एस आता हो वो होता है प्लूरल। अब एक बात हो, पोटेटो इसमें ऐसा आ रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ऐसा आ रहा है नहीं हो सकता, इसका मतलब है या तो बी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। अब देखो प्रिंसेस, प्रिंसेस तो नहीं हो सकता ना, वो तो ऑलरेडी एक अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, प्रिंसेस नहीं हो सकता, क्या हो सकता है पपी, यानी कि पपी का मतलब होता है एक से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, तो ये पपी जो होता है प्लूरल है। चलो नेक्स्ट देखो, हैव यू बीन गोइंग टू इलाहाबाद जस्ट 2015, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि ये जो पता है ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पूछा गया क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ईयर आता है, कैलेंडर का कोई भी डेटा है, मतलब आपको उसमें क्या लगाना है सिंस लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंस आ जाएगा, क्लियर है ना, यानी कि जब भी कभी ईयर आता है तो ऐसे केस में हमें सिंस का यूज करना होता है, 2015 हो या कुछ भी हो। इस सब का मैंने डीपली नॉलेज दिया था आपको, टेंस के पार्ट थर्ड में आप जाइए, टेंस के पार्ट थर्ड में मैंने इन सबको बताया, और लाइफ में आप एक भी मिस्टेक नहीं कर सकते यदि आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो। चलिए थैंक यू सो मच, आपने जितना मेरा मदद किया आज तक उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।